दो घंटे से तीन घंटे से सभी साथी कृपया करके ध्यान से सुने बाबुल भाई की बातें जो है शांति बनाए। आप जो है सभी लोग तरीके सुने, आप सभी साथियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग एक शॉर्ट नोटिस पे इतनी भारी संख्या से यहाँ इकट्ठा हुए और आप सभी ने इस प्रदेश सरकार को चेताने का काम किया कि योगी जी होश में हो जाइए, नहीं तो ये नौजवान जिसने आपको सत्ता में बैठाया है आने वाले चुनाव में आपको सत्ता से उतरने का भी काम करेगा। अरे हमें चाहिए रोजगार, रोजगार, रोजगार। हमारे इस धरना प्रदर्शन के साथ जैसा कि हमने आप सबको बताया था कि हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से हम मानेंगे नहीं, लेकिन हम मानेंगे भी नहीं इस तर्ज पर हम लोगों ने आज का कार्यक्रम रखा था। लेकिन ये हमारी शुरुआत है, हमारे संयम को, हमारे शब्द को हमारी कमजोरी न समझ जाए। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो आने वाले समय में हम सड़कों पर उतर करके उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण होगी। आने वाले समय में हम लोग इलाहाबाद बंद कराने का काम करेंगे, जितने भी प्रतिनिधि इलाहाबाद में रहते हैं उनका घेराव करने का काम करेंगे और इलाहाबाद के अंदर एक भी मंत्री आने नहीं पाएगा, उनको किसी भी विधानसभा के चुनाव का प्रचार हम नहीं करेंगे। युवा मांगे रोजगार, 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 युवा मांगे रोजगार। जिंदाबाद। इस अंतिम चेतावनी के साथ साथियों, योगी जी न सिर्फ इस प्रदेश के मुखिया हैं, एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, बल्कि वो हिंदुओं के आस्था के प्रतीक और रक्षक जो पीठ है उसके पीठाधीश्वर भी हैं। इसलिए अभी उनसे निवेदन है कि अभी भी समय है, होश में हो जाइए, चेत जाइए, क्योंकि योगी जी आपके फाइलों में युवाओं का जो हाल गुलाबी है वो आंकड़े झूठे हैं, वो दावा गुलाबी है। हमारे विरोध प्रदर्शन के समाप्ति के तहत एसीएम महोदय आ गए हैं और हम लोग अपना ज्ञापन उनको सौंप करके, अपना मांग पत्र सौंप करके हम लोग अपनी वेदना सरकार तक ले जाने का काम करेंगे। छात्र एकता जिंदाबाद। उन्होंने अपने ज्ञापन में क्या लिखा है मैं चाहता हूँ कि आप सभी सुन लें। प्रति माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार महोदय, सादर विदित है कि उत्तर प्रदेश का आज चार वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया है, जिसका प्रचार प्रसार बहुत जोर शोर से किया जा रहा है। अन्यत्र मामलों को यदि छोड़ दे तो उत्तर प्रदेश के युवाओं ने आपको आप में आस्था रखते हुए जो रोजगार के सवाल पे पूर्व सत्ता दी थी उस विषय पर प्रदेश के युवा आज छला और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और यदि आपके आंकड़ों के ही आधार मान लिया जाए तो आपके शासन का शिक्षक थोड़ा सही कर, वो पूरा सही नहीं है, पूरा ओपन करिए, ये जो बैनर है पूरा ओपन करिए, जो लगभग 20 संख्या में आपके द्वारा प्रचारित 4 लाख के नौकरियों के अनुपात में 0.2% ही मात्र सीट हुआ है और इस कारण से 99.8% आज भी प्रदेश का युवा बेरोजगार है।